अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं firstbite.tv। जाने वाला दंगे की भेंट चढ़ गया, वह खुद दंगाई था, भीड़ का हिस्सा था या फिर आई गई में गुजर गया। पीछे छोड़ गया लाचार, बेबस और गरीब परिवार और हालात, जिनसे अब पूरी जिंदगी परिवार के बच्चों को जूझना है, लड़ना है। बुलंदशहर का एक परिवार अपने बेटे के 3 दिन पहले कब्र खोद चुका है। मिट्टी हो चुकी देह का कफन इंतजार कर रहा है, लेकिन परिजनों को शव मैसर नहीं है। उन्हें कुछ नहीं लेना और देना CA और NRC से, रोज का कमाना और रोज का ही खाना, बस यही जिंदगी है पहाड़ सी। पिछले 3 दिन से देश का दिल कही जाने वाली दिल्ली जल रही है, लेकिन सियासतदान अपनी सियासत देख रहे हैं। अब तक 22 शव हो चुके इंसानों में गिन रहे हैं कौन मरा और किस कौम का मरा। बेचारी दिल्ली, बेबस दिल्ली और सुलगती दिल्ली। CAA का विरोध या समर्थन, इस मुद्दे ने देश को दो विचारधाराओं में बांट दिया। पिछले 3 दिन से दिल्ली जल रही है, सुलग रही है, लोग मारे जा रहे हैं, दुकानें व वाहन आग के हवाले किए जा रहे हैं, लेकिन वो सभी लोग भूमिगत हैं जिन्होंने भीड़ को वो रास्ता दिया जो सीधे नफरत व बर्बादी की तरफ सभी को ले जाता है। ना ही तो कहीं कपिल मिश्रा जैसे नेता नजर आ रहे हैं, ना ही वारिस पठान जैसे। अब जबकि 22 लोग मारे जा चुके हैं, तो कपिल मिश्रा ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। समारोहों में एक दूसरे की गलबहियां करने वाले जहर उगल रहे हैं और इसका तीखा व जिंदगी पर बोझ बनने वाला स्वाद झेल रहे हैं गरीब व असहाय लोग। आइए आपको मिलवाते हैं बुलंदशहर के ही एक ऐसे परिवार से जो कच्चे ईंटों के मकान में रहता है और सभी की आंख दरवाजे पर ये आस लिए टिकी हुई है कि शायद अब उनके घर के लाडले का शव आ जाए। लेकिन 3 दिन हो गए, आंसू बहते बहते सूख चुके हैं, आंखें पथरा गई हैं, कलेजा बाहर निकलकर फटने के लिए तैयार है और इस बीच रोती दिल्ली, सिसकती दिल्ली और हुकुमरानों की राजनीति के आगे बेबस दिल्ली। इसी तरह दिल्ली के हिंसाग्रस्त चांदबाग इलाके में इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक जवान का शव भी नाले से मिला है। जवान की पहचान अंकित शर्मा के रूप में हुई है, जो IB में सिक्योरिटी असिस्टेंट था। आपको बता दें कि अंकित अपने परिवार के साथ खजूरी खास इलाके में रहता था और 25 फरवरी से लापता था। 26 फरवरी की सुबह उसका शव नाले में मिला। अंकित के पिता देवेंद्र शर्मा भी IB में हेड कांस्टेबल हैं, जिन्होंने बेटे के शव की पहचान की, जिसके बाद अंकित के शव को पोस्टमार्टम के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया। जानकारी मिली है कि दंगाइयों ने अंकित को पहले पीटा और फिर गोली मार दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस दंगे में ही बुलंदशहर के 3 लोगों को गोली लगी है। शाहिद व अशफाक की मौत हो चुकी है, जबकि डाबर हुसैन घायल बताए जा रहे हैं। शाहिद के परिजनों का कहना है कि शाहिद रोजी रोटी के लिए दिल्ली गया था और वहां ऑटो चला रहा था, उसे दंगे के दौरान गोली लगी और वह मर गया। तब से अब तक उसके शव का इंतजार घर पर हो रहा है, कफन रखा है और कब्र खुद चुकी है। गमी सुनकर घर आए लोगों के लिए डेक चढ़ी हुई है, लेकिन मिट्टी हो चुका वह इंसान नहीं आया जो अब शव में तब्दील हो चुका है। शाहिद के भाई आरिफ और फारूक सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों उन्हें शव नहीं सौंपा जा रहा है। सर, मेरा परिवार बहुत परेशान हो रहा है, रात दिन बिल्कुल परेशानी है, बिल्कुल खाना पीना कुछ नहीं खा रहे, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बस भाई को देखने के लिए तरस रहे हैं वो। इस वक्त सब लोग बेहाल हो रहे हैं इस वक्त, और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। वहाँ पे भी जहाँ हॉस्पिटल में है वो, वहाँ पे भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 3-4 रोज हो गए, शाम 4 बजे की बात है ये, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हाँ जी, TV अस्पताल में, वहाँ पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही अभी तक। क्या कोई ब्रांच आएगी, क्या ये आएगा, वो आएगा, क्या वो डॉक्टर आएंगे, अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। वहाँ पर मेरे भाई लोग भी फंसे हुए हैं, 3-4 लोग हैं, अभी तक कुछ नहीं हो रहा। वो परेशान है वो भी, और यहाँ पर भी परेशान है सारे लोग। बहुत बुरा हाल है। और वो ऑटो चला रहा था और वो घर पे आ रहा था, उसे रास्ते में पकड़ लिया, उसके गोली मार दी। वो अस्पताल में ही है, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, और यहाँ पे भी सब लोग परेशान हैं। सर, ये ऐसा है कि अपना करीब करीब 5-6 साल हो गए इनको यहाँ से गए हुए। ये हम 4 भाई थे,
तो अपना ये है कि मैं तो यहीं रहता हूँ, वो तीन भाई अपना दिल्ली रहते हैं, दो भाई ऑटो चलाते हैं और एक भाई ऑटो मैकेनिक का काम करता है। तो पता नहीं अब ऑटो वोटो चला के अपना आ रहा था, तभी वहाँ पर भीड़ में फंस गया दंगे में, तो उसके वहीं पर गोली लगी, गोली लगने से वहीं पर मौत हो गई उसकी। कितने साल शादी? शादी को अभी तकरीबन 3-4 महीने हुए। दिल्ली हिंसा में मारे गए व्यक्ति के परिजनों का कहना है कि उसकी 5 माह पूर्व ही शादी हुई थी, दुल्हन की मेहंदी भी नहीं सूख पाई थी कि दिल्ली हिंसा की आग ने उसके सारे अरमान जलाकर राख कर दिए। मारे गए अशफाक के चाचा आज़ाद हुसैन भी सुनिए क्या कह रहे हैं। आज़ाद हुसैन मृतक, क्या आपका? मेरा भतीजा लगता। तुम्हारा भतीजा क्या हुआ? मेरा भतीजा परसों का काम करे, वो सामान वाल लेने जा रहा था या पैसे लेने जा रहा था, वो जो दंगा होगा तो उसमें जैसे अपना जो ये दंगे की वजह से भाग रहा था तो उसके गोली मार दी। गोली लगने से मौत हो गई। इसके पापा जो सब्जी का काम भी करते हैं, छोटा जो सब्जी का काम करते हैं अपना जो रोज का लाना रोज करते हैं, और बच्चे अपने जो छोटे मोटे काम कर लेते हैं स्कूल जाते हैं। सियासत कितने और घर उजाड़ेगी, कितने लोग बेघर होंगे और कितने बच्चों के सिर से बाप का साया उठ जाएगा, यह वह सवाल है जिन्हें सोचते हुए दिल कांप उठ जाता है। ऐसे में 1999 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित बशीर बद्र का यह शेर बरबस ही जहन में कौन जाता है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्ते जलाने में, फाकता की मजबूरी ये कह नहीं सकती कौन सांप रहता है उसके आशियाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्ते जलाने में। नमस्कार।